से यूँ आग बन करके कर लेती. सो दिस वॉज चैलेंजिंग फॉर मी एंड आई वॉज प्रेइंग कि आई डू दिस. और फिर उसको इक्वली उतना प्यार ना मिलना जितनी आप मेहनत डाल रहे हो इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग. बट यस, इट इज नॉट आवर डिसीजन, बट यस आई वांटेड टू प्ले गौरी एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम गौरी. बट आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु विल ट्राई टू शो द मून हाउ ही looks at him. I always respect my director. I'm a director's actor. Seriously. I always respect the makers. I respect the director. Kamya and Rajat, आपका स्वागत है टेली टक्कर में. मैं जानना चाहूँगी काम्या पहले आपसे कि आपने ये कैरेक्टर क्यों चूज़ किया, क्योंकि ऑन द अदर साइड देर वॉज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर विच वी कैन सी. When the first time I spoke to my producers about this, they wanted me to do the look test for both the characters. ये मैं अभी बता रही हूँ. मैं कहना मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना. So yes, why I chose this, that it was not my decision, honestly. But I wanted to do this. क्योंकि ये मैंने पहले कभी नहीं किया है. It is different from what I have played in the past. So ये मुझे इसमें मुझे ज़्यादा challenge लग रहा था. वो मैं बहुत मैं मुझे नहीं पता, मैं किसी को यहाँ पे जज नहीं करी, बट उसको मैं बहुत आराम से यूँ आग बन करके कर लेती. इसमें मेरे लिए बहुत मेहनत है, तो मैं चैलेंजिंग कुछ करना चाह रही थी. सो दिस वॉज चैलेंजिंग फॉर मी एंड आई वॉज प्रेइंग कि आई डू दिस. Well, for you, Rajat, yes. Was it your decision to take up this character or it was already planned from the directors and the makers? I went for the auditions for both of the roles and dono mein I think main thoda Rajiv ki taraf झुकाव था बिकॉज आई न्यू गोपाल वुड बी अ चैलेंज. इट वॉज नॉट अबाउट द चैलेंज, इट वॉज मोर के उसको रोज इंटरेस्टिंग करना फॉर अ लॉन्ग टाइम जब आप टीवी करते हो और फिर उसको इक्वली उतना प्यार ना मिलना जितनी आप मेहनत डाल रहे हो इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग. और आफ्टर डूइंग टेलीविजन फॉर ऑल दीज 10-12 ईयर्स आई थिंक मैं उस स्टेज पर जहाँ पे मेरे को डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं चाहिए, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बट हजान वाला ले लो यार. हाँ, कि एटलीस्ट यूँ तो रहे कि जस्टिस तो दोनों को ही करना पड़ेगा. बट आई थिंक दे वॉन्टेड इट टू कम आउट दैट वे एंड आई एम ग्लैड दैट आई वाज पुश टू दिस. And I'm really happy now कि मैं ये कर रहा हूँ. एक्टर का डिसीजन नहीं होता है कभी भी. हाँ, दिस इज द मेकर्स एंड द चैनल, ये वो डिसाइड करते हैं कि ये हमारा कैरेक्टर दिख रहा है एक्टर के नहीं दिख रहा है, तो इट इज़ देयर डिसीजन. हाँ, हमारी चाहत होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. एट द मोस्ट आप मना कर दोगे कि नहीं ये मुझे नहीं करना, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ये वो. बट यस, इट इज़ नॉट आवर डिसीजन, बट यस आई वॉन्टेड टू प्ले गौरी एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम गौरी. इज देयर एनी डिसएग्रीमेंट्स और यू एज एन एक्टर रियली पुट अप योर ओपिनियंस व्हाइल शूटिंग? आई थिंक आई हैव बीन लकी that all my directors have been understanding. I always respect my director. I'm a director's actor. Seriously. I always respect the makers. I respect the director. मैं उनकी respect को intact रख के अपनी बात सामने रखती हूँ. मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे जो करना है मैं करूँगी. That's not my language. चाहे मेरी image कैसी भी हो, that's not me. I'm a very professional actor. अगर मैं किसी चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ, आई गो एंड आई टॉक टू द डायरेक्टर इफ़ रिक्वायर्ड. आई टॉक टू द क्रिएटिव, आई टॉक टू द मेकर्स, आई टॉक टू द, जहाँ तक मुझे बात करनी पड़े मैं रिस्पेक्टफुली करती हूँ. या तो वो मुझे कन्विंस करते हैं या मैं उनको कन्विंस करती हूँ. बट वो रास्ता मेरा हमेशा निकले आया है. एज आई सेड, मैं लकी रही हूँ कि मेरे डायरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं जिनसे मैंने सीखा ही है. सो मैं कभी आके नहीं कि मुझे सब आता है और मैं ही करूँगी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया और मैं आगे भी नहीं करूँगी. एज आई सेड, आई रिस्पेक्ट माई टीम एंड आई गो विथ माई टीम. डायरेक्टर्स के साथ कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, ना ही पहले ना ही अब. लेकिन हाँ, क्रिएटिव साइड है, कभी अगर कुछ होता भी है. हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे इट्स बेटर टू शेयर योर व्यूज. आई थिंक क्रिएटिवली वो भी कुछ चाह ही रहे होंगे, बट आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु विल ट्राई टू शो द मून हाउ ही लुक्स एट हिम एंड नॉट हाउ आई वांट टू. बट अगर मेरे को ऐसा लगता है मैं ज्यादा कर सकता हूँ, देन आई शेयर विद हिम. और एक एक्टर की जिम्मेदारी भी होती है, अगर कोई सीन अगर अलग तरीके से लिखा है उसको इस तरीके से परफॉर्म करके जस्टिफाई करो, है ना, उसको जस्टिफाई करो. अगर आपको चलते चलते गिरना है तो आप चलते चलते बैठ गए ऐसा मत करो ना, क्योंकि राइटर तो वही लिखेगा कि ये चलते चलते गिर गई. आपको उसको जस्टिफाई करना है, उसको आपको चलते चलते उस तरीके से फिसलना है कि लोग लगे जेन्युइनली फिसल गए. तो ये एक्टर की जिम्मेदारी है, दैट्स व्हाई वी आर हियर ना, दैट्स व्हाई हम पब्लिक फिगर बन चुके हैं. एन एक्टर कंपटीशन है, देयर आर लॉट ऑफ शोज, इज देयर एनी काइंड ऑफ टीआरपी प्रेशर दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ? टीआरपी प्रेशर हर एक्टर को होता है, हर शो को होता है. अगर वो प्रेशर नहीं रहेगा, यू नो, वो उस लेवल की मेहनत भी नहीं कर पाएंगे. बट सिर्फ उस प्रेशर को लेकर चलो, दैट्स नॉट, मतलब वो सिर्फ वही नहीं है कि बस वही है, वही पॉपुलरिटी चीज नहीं, अच्छा काम भी करना है. ये प्रेशर टेलीविजन में है, वो चलता रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा. बट वी फोकस ऑन आवर वर्क, आवर परफॉर्मेंस. आगे जनता है, वो देखेगी.
आज तक जितने भी शोज किए आई हैव नेवर एवर वेंट थ्रू दिस टीआरपी थिंग. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट बट नीदर इन पास्ट आई हैव डन दैट ग्रेटफुली एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड आई बीन पार्ट ऑफ सच शोज दैट हैव डन वेल एंड आउट ऑफ 8 out of 8 और प्रॉब्ली 9 out of 9 सब अपने चैनल पे नंबर वन थे. सो आई थिंक मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं उसमें घुसूँ और कुछ करूँ. अपना अपना काम सब जानते हैं. कहानी लिखने वाले से लेके एक स्पॉट दादा भी जो कर रहे हैं वो अगर अपना काम अच्छे से कर रहा है तो शो खूबसूरत बन और वही जरूरी होता है. एंड आई थिंक मेरे लिए वही रूल आज भी इम्प्लीमेंट होता है. Okay, lastly, a message that you want to give to the fans and the viewers. प्लीज देखो यार, प्लीज देखो. अभी से शुरू करो. सारे ऑनलाइन इंस्टाग्राम के फीड्स, मैं तो थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ बट इसके सारे फीड्स शो को देखिए. 22 तारीख से आ रहा है जी टीवी पर रात को 10 बजे. देखिए कितनी खूबसूरत से खूबसूरती से कहानी बताई गई है, कितने अच्छे हम दिख रहे हैं, हमने कितना जस्टिस किया है किरदारों को लेके. प्लीज देखिए, बहुत प्यार दिया है मेरी जनता ने मुझे, मेरे फैंस ने मुझे, मेरे सारे शोज को. अब एक नए शो के जरिए आ रही हूँ, एक नए किरदार के जरिए आ रही हूँ, अलग है जो मैंने कभी नहीं किया है. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किरदार भी पसंद आए. मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं और आप इस किरदार को, इस शो को भी उतना ही प्यार और उतनी दुआएं दें. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.